फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, कहने को तो ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन यही सोशल मीडिया किस तरह से एंटी सोशल हैवानों का अड्डा बनते जा रहा है, ये महाराष्ट्र के डोंबिवली से सामने आई एक शर्मनाक घटना ने उजागर किया है। 15 साल की नाबालिग बच्ची पर 34 दरिंदों ने 8 महीने तक गैंगरेप किया। आभासी दुनिया में दोस्त ढूंढने वाली लड़की को शायद ही पता होगा कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला असल में एक नकाबपोश भेड़िया है। आखिरकार टूटकर जब लड़की ने यह पूरा वाकया अपने माँ और पुलिस को बयां किया, तब रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सामने आई। ऐसे पीड़िता के सब जान पहचान वाले ही उसके दोस्त थे। सोशल मीडिया से या फिर फोन पर बात से, फेसबुक से उनकी फ्रेंडशिप हुई है। 8 महीने में लड़की के साथ क्या क्या हुआ, ये पूरी कहानी सुनिए। 29 जनवरी को पीड़िता को उसके फेसबुक फ्रेंड ने सुबह करीब 9:30 बजे फोन करके मिलने बुलाया। पीड़िता सुबह 11 बजे उससे मिलने पहुंची। मुख्य आरोपी ऑटो चलाने वाले अपने दोस्त के साथ आया था। उसने अपने एक दोस्त के घर जाने का प्लान बनाया था। रास्ते में एक और लड़का उनके साथ ऑटो में सवार हो गया। दोस्त के घर जाने की बजाय आरोपी उसे दूसरी जगह ले गया। इस दौरान मुख्य आरोपी ने पीड़िता को उसकी नग्न तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल किया, जो पीड़िता ने दिसंबर 2020 में उससे शेयर की थी। बाद में मुख्य आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और तीसरे आरोपी ने वीडियो बना लिया। उसके बाद तीनों लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उस दिन कुल 4 लड़कों ने इस गैंगरेप को अंजाम दिया। 20 फरवरी को मुख्य आरोपी उसे लगातार फोन करता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। पीड़िता ने उसका नंबर डिलीट कर दिया था। मुख्य आरोपी ने उसे दूसरे नंबर से कॉल कर मिलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। अगले दिन वो उसके घर के पास गया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि वो उसके परिवार को उसका अश्लील वीडियो दिखा देगा। पीड़िता डर गई और उससे मिलने चली गई। मुख्य आरोपी उसे डोंबिवली के एक फ्लैट में ले गया, जहां 9 लड़के मौजूद थे, जिसमें से 3 ने जनवरी में उसके साथ रेप किया था। मुख्य आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में सफ़ेद पाउडर मिलाकर पीने को कहा। पीड़िता ने मना कर दिया, लेकिन उसे फिर से धमकाया गया। उसे पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। बाद में जब वो उठी तो उसने कहा कि उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द हो रहा था। यह दरिंदगी मार्च तक जारी रही, जहां उसे अलग अलग फ्लैट, लॉज और फार्म हाउस ले जाया गया। 5 मई को जब वो रात को घर नहीं लौटी तो उसकी मां ने गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अगले दिन लड़की लौट आई और अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। उसने बताया कि जब उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था, तब उसने मुख्य आरोपी को उसके एक दोस्त से 1,000 रुपये लेते हुए देखा था। 16 मई को मुख्य आरोपी ने फ्रेंड्स नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें पीड़िता को भी शामिल किया। मुख्य आरोपी ने ग्रुप में वही वीडियो शेयर किया जो जनवरी में शूट किया था और उसे ब्लैकमेल किया था। इसके बाद पीड़िता को धमका कर नवी मुंबई के रबाले के एक फ्लैट में ले जाया गया। उसे शराब पिलाई गई। इस बार फ्लैट में 11 लड़के मौजूद थे, जिन्होंने उसके साथ रेप किया। नवी मुंबई के अलग अलग इलाकों में सितंबर तक ये दुष्कर्म जारी रहा। 22 सितंबर को फिर एक बार 5 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता अभी इस यातना को सहन नहीं कर सकी और आखिरकार उसने अपनी मां के सामने उसके साथ हुई हर बात का खुलासा कर दिया, जिसके बाद उसके माता पिता शिकायत दर्ज कराने उसे मानपाड़ा पुलिस थाने ले गए। पुलिस ने अब तक 34 लोगों में से 29 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें 2 लड़के नाबालिग हैं। जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। फिलहाल एक महिला अधिकारी मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तारियां हो रही है, सजा भी मिलेगी, लेकिन इस केस ने बताया कि सोशल मीडिया एक जंगल है, जहां बच्चे अकेले हैं, असहाय है और जानवर उनकी टोह में है। परिवार और समाज को देखना है कि इस जंगल में बच्चे कैसे महफूज रहें।